नमस्कार, क्राइम ब्रोस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सपा बसपा गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मनाया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन और लोकसभा चुनाव के लिए कसी कमर। जनपद सिद्धार्थनगर के सपा कार्यालय पर आज सपा बसपा गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी भारी चर्चा चली। चर्चा में मीडिया के सामने समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विभा शुक्ला ने भाजपा को स्वार्थ की सरकार बताते हुए सपा बसपा गठबंधन को सामाजिक न्याय वाली गठबंधन कहा। वहीं सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने संविधान के साथ काफी छेड़छाड़ की है जो देश की जनता के लिए घातक है। इस मौके पर बसपा प्रत्याशी लोकसभा डुमरियागंज आफताब आलम समेत सैकड़ों सपा बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन्म दिवस जो है यहाँ सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, तो लोहिया जी के जो है विचारों का कहाँ तक आप लोग आज बयान किया? देखिए, लोहिया जी ने जो है समानता का और अधिकार की बात की थी, तो आज सबसे बड़ा आपको उदाहरण ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा से नीचे के तबकों के लोगों की लड़ाई लड़ती चले आई, और समाजवादी पार्टी दलित पिछड़ों किसानों के नेता दोनों एक साथ बैठ के आज अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं और इस मैं कहूँगी सिद्धार्थनगर में जीत हासिल करने की बात करें, क्योंकि यहाँ के नौजवान किसान बेरोजगार आज जितनी हद तक आपने देखा होगा कि सिद्धार्थनगर पिछड़ चुका है, तो उसको आगे लाने की बात कर रहे हैं। और लोहिया का इससे बड़ा सपना क्या होगा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लोकसभा का चुनाव उस पार्टी को हटाने के लिए कर रहे हैं जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। तो ये सबसे बड़ा लोहिया का सपना है कि सबको बराबर अधिकार मिले और बराबरी के साथ हम दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं लड़ रहे हैं, और आज देखिए प्रजातंत्र के लिए लड़ते, तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। भाजपा का कहना है गठबंधन नहीं ठग बंधन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा जो है अपने नियम के मुताबिक हमेशा अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन बनाती है। मैं कहूँगी कि बीजेपी से कई बार उनका गठबंधन हो चुका है, इससे पहले उन्होंने सरकार में भी रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि उस समय की परिस्थितियों को देखें कि वो किस तरीके का गठबंधन था। हम जो गठबंधन कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय के लिए गठबंधन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और मायावती का जो आज ये गठबंधन है लोकप्रिय गठबंधन है। लोकसभा और फूलपुर की जो सीटें हैं उसका उदाहरण है कि हमने बीजेपी का और उत्तर प्रदेश का दिल तो पहले ही जीत लिया था, अब तो शरीर जीतना बाकी रह गया है। आज लोहिया जी हम लोगों के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के समाजवादी विचारधारा के हैं, उनके जन्मदिन पर इस महागठबंधन वो हम लोग ये चाहते हैं जो ये सरकार है जो कानून को खत्म करना चाहती है और जो ये भारत का संविधान है उसको भी खत्म करना चाहती है, और हम सपा और बसपा के कार्यकर्ता और नेता मिलकर ये चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी भारी वोटों से जीत के संसद में पहुँचे जिससे इनको हटाया जा सके, और जब इनको हटा देंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार स्वतः कमजोर हो जाएगी और अपने आप। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।